हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है स्टूडेंट्स, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको अपनी क्लास के 10 बच्चों की हाइट्स की रेंज फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई डाटा तो गिवन है नहीं, तो हमने अपनी तरफ से ही डाटा ले लिया है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, लेट द हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स बी, 10 स्टूडेंट्स की हाइट हमने यहाँ पर ली है 140 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर, 129 सेंटीमीटर, 137 सेंटीमीटर, 141 सेंटीमीटर एंड 130 सेंटीमीटर। ये डाटा हमने अपनी तरफ से लिया स्टूडेंट्स, अगर आप चाहे तो कोई और डाटा भी यूज कर सकते हैं। अब 10 स्टूडेंट्स की हाइट यहाँ पर हमने लिख ली है। अब हमें इस डाटा का रेंज फाइंड करना है और हम जानते हैं कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं। रेंज इज इक्वल टू हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि रेंज फाइंड करने के लिए हम हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से माइनस करेंगे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होती है इस डेटा की जो हाईएस्ट वैल्यू है, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इस डेटा की जो लोएस्ट वैल्यू है उसे हम लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इस डेटा में आप चेक कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है यानी हाईएस्ट वैल्यू है वो है 149 सेंटीमीटर, और जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है यानी कि लोएस्ट वैल्यू है वो है 125 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रेंज यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आ गया। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ पर हमने लिखा 149, जो इस डेटा की हाईएस्ट वैल्यू है। माइनस का साइन यहाँ पर एज इट इज आ गया, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ पर हमने लिखा 125, जो इस डेटा की सबसे लोएस्ट वैल्यू है। जब आप 149 में से माइनस करेंगे 125 को तो आपको मिलेगा 24। तो हमारी रेंज आ गई है, रेंज इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के इस क्वेश्चन में कोई डाटा हमें गिवन नहीं था, हमने अपनी तरफ से ये डाटा लिया है जिसके अकॉर्डिंग ये आंसर 24 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर आप कोई और डाटा लेते हैं तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।